ओके डन। तो देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था आयलर फॉर्म, ठीक है, और आयलर फॉर्म के पहले पोलर फॉर्म। एक्चुअली पहले पोलर फॉर्म पढ़ते हो आप और फिर पोलर फॉर्म को ही यूज करके हम लोग आयलर फॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आशुतोष तुम बताओ आयलर फॉर्म क्या था, स्टार्ट करो। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस एक्स एक्स और उसके पहले अगर कोई रियल पॉजिटिव रियल नंबर हो तो हम उसे ई रेस टू पावर में इसे लिख सकते हैं, उसको यूनिफॉर्म देते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। सपोज करो इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से आप क्या बोलते हैं, टू द पावर आयोटा थीटा थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये क्लियर होना चाहिए कि जो थीटा है ये रियल होना चाहिए, है ना। दिस शुड बी रियल, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलता है, बस रियल होना चाहिए, करेक्ट है। यहाँ पे एग्जैक्टली पीछे प्लस साइन होगा, आयोटा शुड बी विद साइन, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं यार, ठीक है। और ये थीटा ही क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। सपोज करो इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए टू द पावर आयोटा बी, तो आप एक को मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हो और बी को क्या बोलते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। लेकिन इट इज पॉसिबल ओनली इफ ए शुड बी पॉजिटिव एंड बी इज रियल। डन। सपोज करो ए है 1 प्लस आयोटा और लेट्स से बी है 2 आयोटा, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा मॉडुलस नहीं होता यार, आप इसको पहले एग्जैक्ट फॉर्म में क्रिएट करोगे, तो 1 प्लस आयोटा इंटू ई टू द पावर आयोटा बी। अच्छा ये भी बताओ 1 प्लस आयोटा इसका मॉडुलस कितना आ रहा रूट टू है, और आर्ग्यूमेंट कितना है, बोलो ई टू द पावर आयोटा, ठीक पाई बाय 4 बाय 4 है, इंटू ई टू द पावर आयोटा इंटू 2 आयोटा, ओके, हाँ ठीक है। तो ये हो गया √2 एंड आयोटा इंटू 2 आयोटा इज -2 एंड ई टू द पावर -2 इज बेसिकली 1 अपॉन ई स्क्वायर, और 1 अपॉन ई स्क्वायर है पॉजिटिव रियल नंबर। डन। मल्टीप्लाई विथ ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, ठीक है। तो फाइनली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस कितना है, बोलो, टू अपॉन ई स्क्वायर रूट 2 अपॉन ई स्क्वायर, एंड इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है बताओ, फाइव बाय 4 5/4, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है हम लोगों को, इसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे सपोज करो कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स है, तो कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स का होल स्क्वायर, या फिर सपोज करो कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इसको मैं बोल रहा हूँ जेड, एक सेकेंड, अरे काफी सारे लोग आ रहे हैं अभी। लेट्स से ये है जेड, तो जेड स्क्वायर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन 2x, 2x, बिकॉज यार ये जो जेड है ना ये होता है ई टू द पावर आयोटा एक्स, और ई टू द पावर आयोटा एक्स का स्क्वायर करोगे देन यू विल गेट ई टू द पावर आयोटा 2x। सिमिलरली सपोज करो आपको जेड क्यूब कैलकुलेट करना है, दैट विल बी ई टू द पावर आयोटा 3x, 3x, और अभी आपको बिल्कुल अभी आपको ए प्लस बी होल क्यूब करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कॉस 3x प्लस आयोटा साइन 3x, ठीक, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। अच्छा तो आप मेरे को ये बताओ कि कहीं पे सपोज करो ये लिखा हुआ है कॉस एक्स, तो आप ये बोल सकते हो कि कॉस एक्स इज रियल पार्ट ऑफ जेड या रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स, रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा x, x। ऐसे ही सपोज करो कहीं पे cos nx लिखा हुआ है, देन डेफिनेटली cos nx विल बी रियल पार्ट ऑफ e to the power iota n nx, हाँ ये है रियल पार्ट ऑफ e to the power iota nx। ऐसे ही सपोज करो sin nx है कहीं पे, तो sin nx डेफिनेटली इमेजिनरी पार्ट ऑफ e to the power iota nx nx। जैसे cos 2x है तो वो e to the power iota 2x का रियल पार्ट है, sin 3x है तो वो इमेजिनरी पार्ट है ऑफ e to the power iota 3x। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक
ठीक है, एक बार ये वाला पार्ट लिख लो, है ना, ये ऑलरेडी हम लोग नोट कर चुके हैं पहले, आप ये पार्ट लिख लो बस, एक बार ये वाला पार्ट जस्ट। आशुतोष हाँ सर, ये एक बार इस पे एनोटेट करके देखो स्क्रीन पे, वहां पे तुमको पेंसिल का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो एक बार, है ना। हाँ सर, एक बार इस पे कुछ लिख के देखो, एक बार तुम्हें कुछ ग्लिच दिखाई, ग्लिच दिखता है क्या वहां पे, एक बार देखो। हाँ दिखता है। क्या ग्लिच दिख रहा है? नहीं, डबल डबल दिख रहा है क्या सर? नहीं नहीं ओके, जैसा तुम लिख रहे हो सेम वैसा ही दिख रहा है बस। हाँ सर ओके ठीक है, ये वाला पार्ट नोट करो, है ना, जस्ट ये पार्ट नोट करो। cos x रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर iota x, cos nx रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर iota nx, sin nx इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर iota nx। काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, करते हैं, एक बार ही नोट करो। ठीक है, जस्ट इतना ही नोट करना है आपको, हो गया होगा। ओके, अब एक पॉइंट ये भी समझो, है ना, e टू द पावर आयोटा एक्स, दिस इज कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, एंड e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स इज कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों का आप एडिशन करोगे तो cos x इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा x प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा x अपॉन 2। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि e टू द पावर आयोटा x प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा x विल बी 2 cos x। हाँ, मतलब प्लस है तो cos, प्लस है तो cos, जैसे 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा के अंदर भी प्लस होता है, तो देन इट विल कन्वर्ट इनटू cos स्क्वायर, एंड 1 माइनस cos दिस विल कन्वर्ट इनटू sin स्क्वायर। क्लियर? ऐसे यहां पे प्लस है तो cos, डन। एक बार आप इसको सब्सट्रैक्ट करो अभी, तो sin x इज इक्वल टू e टू द पावर iota x माइनस e टू द पावर माइनस iota x अपॉन 2 iota, 2 iota, यू कैन राइट e टू द पावर iota x माइनस e to the power minus iota x is equal to 2 iota sin x. 2 iota sin x. Correct. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट होना चाहिए। इसी के ऊपर लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने। ठीक है, इफ mod z इज इक्वल टू 1 देन प्रूव जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन इज प्योरली इमेजिनरी। तो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स हैं। तो ये है कि ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है, यानी कि दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस बार आ रहा होगा। जैसे रियल नंबर्स के लिए जेड और जेड बार सेम होते हैं, प्योरली इमेजिनरी के लिए दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस बार। ठीक है, तो एक तो आप वो मेथड यूज कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि मॉड जेड इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, बोलो 1, यानी इसका मॉडुलस 1 है, तो z कैन बी यूज्ड एज 1 इनटू e टू द पावर आयोटा थीटा थीटा। ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन में पुट करो अभी, तो e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 1 अपॉन e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस 1। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप आप ध्यान रखना, काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। जब भी तुम्हें यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 देखे ना, आप हाफ एंगल कॉमन लेते हो। क्या कॉमन करते हो इसमें? हाफ एंगल, हाफ एंगल कॉमन। ओके, तो इसमें हाफ एंगल कॉमन, तो e टू द पावर आयोटा थीटा हाफ एंगल इज टू द पावर आयोटा थीटा बाय 2, करेक्ट?
remaining is e to the power iota theta by 2 plus e to the power minus iota theta by 2. बिल्कुल ठीक है, e to the power minus iota theta by 2. कॉमन लेने का मतलब अगेन है डिवाइड करना, तो 1 अपॉन का मतलब माइनस हो गया. ठीक है, सिमिलरली डिवाइड में भी कॉमन लो, तो e to the power iota theta by 2 remaining is e to the power iota theta by 2 minus e to the power iota theta minus iota theta by 2. अगेन सिंपली दिस पोर्शन कैंसिल. अब ये है प्लस यानी कि कॉस, तो टू कॉस सेम एंगल, टू कॉस सेम एंगल, सो टू कॉस थीटा बाय टू. हाँ, जैसे यहाँ पे एक्स है तो एक्स, अगेन ई टू द पावर आयोटा टू एक्स देन कॉस टू एक्स. अभी है थीटा बाय टू या फिर एक्स बाय टू. ठीक है, इसको एक्स बाय टू लिख देते हैं. Okay, so this is 2 cos theta by 2 and denominator is 2 iota sin theta by 2. Again 2 and 2 cancel, 1 upon iota is simply minus iota. तो ये है minus iota cot theta by 2. हाँ, और यार ट्रिग्नोमेट्री रियली होता है ऑलवेज. इसमें माइनस आयोटा है, इसका मतलब ये नंबर है प्योरली इमेजिनरी. क्लियर? हाँ. ओके, तो इतना पोर्शन लास्ट क्लास में हो गया था. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो. नो नहीं सर. नो सर. ठीक है, वेरी गुड. चलो यार ये रफ करता हूं मैं ना, ये लास्ट टर्म पे हो गया था, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अभी ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखते हैं. प्रूव NC0 प्लस एन सी वन कॉस थीटा प्लस एन सी टू कॉस टू थीटा प्लस एन सी थ्री कॉस थ्री थीटा अप टू एन सी एन कॉस एन थीटा इज इक्वल टू टू कॉस थीटा बाई टू पावर एन इंटू कॉस एन थीटा बाई टू. ये प्रूफ करना है. NC0 plus NC1 cos theta plus NC2 cos 2 theta, NC3 cos 3 theta up to NCn cos n theta is equal to 2 cos theta by 2 bracket power n, या फिर ये भी बोल सकते हो तुम 2 to the power n cos to the power n theta by 2 और cos n theta by 2. ठीक है, ये summation है. अच्छा, इसके अंदर number of terms कितने हैं ये बताओ. ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर से ही सॉल्व होते हैं. तो देखो, सोचो थोड़ा सा क्या करते हो, देखते हैं. बाकी हिंट ये है कि यहाँ पे NC0, NC1, NC2, NCn भी आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बाइनोमियल से भी रिलेटेड है. बताओ क्या करना है.
ओके okay, कोई बताने वाला है यहाँ पे क्या माइंड में आ रहा है आप लोगों को? सर बताओ क्या बोल रहे हो, जो क्या बोल रहे हो बोलो। उसको मतलब एज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बताओ, और उसको वो मतलब एक टर्म वन कंसीडर कर सकते हैं और एक कॉस थीटा, लेकिन वो कॉस में एंगल चेंज हो रहा है ना। एग्जैक्टली बिल्कुल सही सोचा तुमने। सपोज करो तुम 1 प्लस कॉस थीटा यूज करते हो तो बेटा प्रॉब्लम आएगा वहां पे, क्योंकि कॉस टू कॉस का एंगल सेम रहेगा, पावर्स चेंज होंगे। पहले मिलेगा cos थीटा की पावर 0, फिर मिलेगा cos थीटा टू द पावर 1, देन cos स्क्वायर थीटा, देन cos क्यूब थीटा, सबसे लास्ट में cos टू द पावर n थीटा। तो वहां पे थीटा फिक्स है, पावर्स चेंज हो रहे हैं, यहां तो पावर सब में 1 ही है, ये एंगल चेंज हो रहा है यहां पे। हां तो ये समझो अभी, और बताओ और क्या करने वाले हो, सोचो। देखो cos थीटा जो है ना ये रियल पार्ट है, किसका रियल पार्ट है ये बोलो? e to the power iota x iota theta। एक्चुअली ये रियल पार्ट है ऑफ e to the power iota थीटा, ठीक है। सिमिलरली cos 2 थीटा, दिस इज रियल पार्ट ऑफ e to the power iota 2 थीटा, ठीक है। और e to the power iota 2 theta is e to the power iota theta square। हाँ, ये है real part of e to the power iota 3 theta which is cube of e to the power iota theta। This is real part of e to the power iota n theta and power of e to the power iota theta to the power n। समझ में आया? तो basically ये जो पूरा expression है ना, ये है real part of 1 प्लस e टू द पावर आयोटा थीटा पावर n। देखो सबसे पहले इसमें आएगा एन सी जीरो, अगेन फर्स्ट नंबर है 1, 1 के ऊपर हेड माइनस टेल, उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि 1 के ऊपर आप कोई भी इंडेक्स अप्लाई करो 1 ही आता है, ठीक है। सो एन सी जीरो e टू द पावर आयोटा थीटा 0, तो वो तो एन सी जीरो ही हो गया ना जस्ट। Then NC1 e to the power iota theta, तो NC1 into cos theta plus iota sin theta, तो real part तो NC1 cos theta ही है ना? Then NC2 e to the power iota theta square, यानी e to the power iota 2 theta, और उसमें real part है NC2 cos 2 theta, सबसे last में NCN 1 to the power n minus n and this to the power n, और ये बनेगा e to the power iota n theta, और e to the power iota n theta का real part है cos n theta। ये doubt ये clear हो गया ना सभी लोगों को? हाँ सर। अभी यार देखो fix concept है, यहाँ पे 1 होता है, आप half angle common लेते हो, कितना angle common लेते हो? half, तो इसमें से half angle common लो, बाहर आएगा e to the power iota theta by 2, but power n है तो e to the power iota n theta by 2, ठीक। रिमेनिंग है अभी e to the power iota theta by 2 plus e to the power minus iota theta by 2 bracket n, ये सिंपली है 2 cos theta by 2, तो 2 cos theta by 2 तो वैसे भी एक रियल नंबर ही है, और इसका रियल पार्ट कितना है बोलो? cos n theta by 2, बस ये आंसर आ गया। यही प्रूफ करना था आपको, हो गया, 3 स्टेप्स में हो गया बस पूरा, ठीक है। नोट करो इसे, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं।
ठीक है, ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर है ये 2 cos theta by 2 ब्रैकेट n सॉरी पावर n एंड into cos n theta by 2। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन nc1 sin theta nc2 sin 2 theta nc3 sin 3 theta अप टू ncn sin n theta, बताओ कितना आएगा ये। बोलो क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन में। अनुष्का बताओ क्या आंसर है इस क्वेश्चन में। वन प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एन माइनस वन। नहीं यार बेटे, आंसर फाइनली इस फॉर्म में आएगा कुछ इस टाइप में ही आने वाला है आंसर। तो यार ये क्वेश्चन टू आयोटा साइन थीटा बाय टू पावर एन इनटू आयोटा साइन एन थीटा बाय टू इनटू iota sin n theta by 2। एक मिनट, तुम basically बोल रहे हो कि 2 sin theta by 2 power n, ऐसा बोल रहे हो क्या? 2 iota sin theta by 2 power n। नहीं 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 नहीं, ये wrong answer है, wrong answer है। यार दोनों questions में difference इतना ही है कि यहाँ पे आपको real part find करना था और यहाँ पे क्या find करना है? Imaginary। तो बेटा यहाँ पे real part के place पे केवल imaginary आने वाला है। हाँ, ये एक्सप्रेशन पूरा सेम ही आएगा। हाँ, इसमें से कॉमन लोगे हाफ एंगल तो ये पोर्शन तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, तो ये तो खुद एक रियल है, ये तो खुद एक रियल पार्ट है, ये तो 5 6 7 टाइप का लिखा हुआ है जस्ट। और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होता है? e टू द पावर आयोटा एन थीटा बाय 2 का इमेजिनरी पार्ट कितना होता है? आयोटा इमेजिनरी पार्ट में नहीं यूज करते गौरी, साइन एन थीटा बाय 2। तो फाइनल आंसर है इसका ये साइन एन थीटा बाय 2 इनटू 2 कॉस थीटा बाय 2 पावर। हाँ तो जस्ट ये आंसर आएगा इसमें। भाई यहाँ पे कॉस के प्लेस पे साइन ही तो लिखा हुआ है ना, बाकी सब सेम ही है। अच्छा एक चीज ये भी समझ लो ना, यहाँ पे एनसी जीरो नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग आपको NC0 मतलब जब तुम यहाँ पे NC0 लिखोगे तो NC0 e to the power iota 0 तो पूरा 1 ही है वो, और 1 एक इमेजिनरी नंबर नहीं होता, तो ये स्टार्ट NC1 से होगा। ये क्लियर हो गया ना सभी को भी? हाँ सर। तो फाइनल आंसर है ये sin n theta by 2 into 2 cos theta by 2 power n। Anushka clear? Yes sir। Okay done। ठीक है ये note कर लो और ये आपको direct learn होता है तो काफी अच्छी बात है। Next question करते हैं। Sir। हाँ बोलो। और एक बार बता सकते हैं क्या वो?
देखो ये क्वेश्चन समझ आया आपको, ये प्रीवियस क्वेश्चन? हाँ, तो इसमें कॉस के प्लेस पे जस्ट क्या लिखा हुआ है? साइन। ठीक है, इसका मतलब ये इस एक्सप्रेशन के अंदर इमेजिनरी पार्ट है बेसिकली। यहाँ पे आप कॉस वाला पार्ट यूज कर रहे थे, दैट वाज द रियल पार्ट, ये है साइन वाला पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट, यानी आपको जस्ट इसमें से इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है इस पूरे एक्सप्रेशन का। एक चीज माइंड में रखो, जब भी तुम्हें प्लस वन और माइनस वन दिखता है आप हाफ एंगल कॉमन करते हो, डन। हाँ, इसका एप्लीकेशन यही है। आप तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे ये होता कहीं पे e to the power iota theta plus 2, तो इसमें हाफ एंगल कॉमन करने का बेनिफिट नहीं है। इसमें तुम हाफ एंगल कॉमन करोगे देन यू विल गेट दिस, और ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, ये 2 का फैक्टर है। तो फॉर्मूले केवल तभी बनते हैं जब यहाँ पे 1 है, क्योंकि e to the power iota x plus e to the power minus iota x, ये होता है 2 cos x, और माइनस है तो 2 iota sin x। तो तुम्हें कभी भी 1 या माइनस 1 दिखे आप हाफ एंगल कॉमन लो, ओके? तो e to the power iota theta by 2 bracket n, यानी e to the power iota n theta by 2, क्लियर? अब इसको थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करो, दिस इज हाफ एंगल कॉमन, तो रिमेनिंग है e to the power iota theta by 2, और कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी 1 अपॉन, तो 1 अपॉन का मतलब पावर नेगेटिव। हाँ, अब ये चीज समझो कि cos x, सॉरी, e to the power iota x plus e to the power minus iota x, ये क्या होता है? 2 cos x। हाँ, यहाँ पे माइनस होता, सपोज यहाँ पे माइनस होता, देन 2 iota sin x, देन 2 iota sin x, ठीक है? हाँ, लेकिन अभी है प्लस, तो इस क्वेश्चन में आपको इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, तो ये तो बेटा एक रियल पार्ट ही है। ये तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 2, 3, 4, 6, 7 ऐसा कुछ आएगा। हाँ, और इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना होता है बोलो? आयोटा साइन एन थीटा बाय 2। हाँ, अब मेरी बात सुनो, जैसे 2 + 3 आयोटा है, तो इन 2 + 3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट इज ओनली 3, नॉट 3 आयोटा। सॉरी सॉरी, साइन थीटा। हाँ, वो तो आयोटा के साथ में जो आते हैं उनको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है? हाँ, तो ये आंसर आ गया बस, क्लियर? ठीक, ये क्लियर हो गया होगा अभी सभी लोगों को, है ना? सर। हाँ बोलो। मतलब वो इमेजिनरी पार्ट उस पूरे का लेंगे ना, मतलब वो 2 cos theta by 2 उसका पावर n, उसका भी इमेजिनरी पार्ट आएगा ना, तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा ना। अच्छा, तो मेरे को एक बार ये बताओ, जैसे क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया मान लेते हैं, जैसे तुम्हारी बात कोई मैं बोल रहा हूँ, आयोटा 0 प्लस 2 cos theta by 2 पावर n, ठीक है, और ब्रैकेट है लेट से cos theta plus iota sin theta। हाँ, आप इस एक्सप्रेशन में मुझे इमेजिनरी पार्ट बताओ कितना आएगा? 2 cos theta by 2 n power n into iota into sin theta। तो वही तो यहाँ पे किया है, वही तुम ही बोल रहे हो ना, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो ये लिखा हुआ आयोटा 0, क्लियर? हाँ, नहीं सर। अरे इसमें क्या क्लियर नहीं हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, ये कॉस एन थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे कॉस एन थीटा बाई 2 प्लस मतलब ई टू द पावर आयोटा एन थीटा बाई 2 हो गया ना ये। अरे दोनों मल्टीप्लाई करने पे इमेजिनरी पार्ट कब आएगा? जब ये वाला आयोटा और ये रियल पार्ट मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से मिलेगा ना आपको इमेजिनरी पार्ट। सपोज करो यहाँ पे आयोटा इंटू 2 होता, सपोज करो यहाँ पे आयोटा इंटू 2 होता, तो फिर इनके मल्टीप्लीकेशन से भी आपको इमेजिनरी पार्ट मिलता। हाँ, अभी क्लियर हो गया? हाँ सर, लेकिन वो साइन एन थीटा बाय 2 सिर्फ वो ई पर आयोटा एन थीटा बाय 2 का इमेजिनरी पार्ट हो गया ना बेटा दोनों। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ कि जैसे क्वेश्चन ये है 100 इनटू 2 प्लस 3 आयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? 300। अभी क्लियर हो गया, ये रियल नंबर है, इसको एक सेकंड के लिए 100 बोल दो। हाँ, इसको एक सेकंड के लिए 100 बोल दो, ठीक है? हाँ, और ये है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। हाँ,
तो cos theta plus iota sin theta into 100, real part क्या आएगा इसका? cos theta into 100? हाँ 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 imaginary part क्या आएगा? sin theta into 100? हाँ अभी नहीं हुआ clear? हाँ हाँ हो गया हो गया हाँ okay. और कोई doubt है बताओ किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन टू अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा साइन थ्री अल्फा अप टू एन टर्म्स, ये प्रूव करना है आपको कॉट अल्फा इंटू वन माइनस cos n alpha cos to the power n alpha, ये क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है। cos alpha into sin alpha plus cos square alpha into sin 2 alpha plus cos cube alpha साइन थ्री अल्फा, यानी साइन के तो एंगल चेंज हो रहे हैं और कॉस के इंडेक्स चेंज हो रहे हैं, ऐसे यहां पे हैं टोटल एन टर्म्स और ये पूरा समेशन ये प्रूफ करना है आपको कॉट अल्फा इंटू वन माइनस कॉस एन अल्फा, दिस इज कॉस कॉस एन अल्फा इंटू कॉस टू द पावर एन अल्फा। अब देखो ऐसे सोचो, साइन अल्फा साइन टू अल्फा साइन थ्री अल्फा साइन फोर अल्फा, ये सब तो ई टू द पावर आयोटा अल्फा का पार्ट है। कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस क्यूब अल्फा, ये ई टू द पावर आयोटा अल्फा की इंडेक्स में नहीं आएगा, ध्यान रखना। देखो सिंपल सी बात, ये जैसे ई टू द पावर आयोटा थ्री अल्फा है तो इसका रियल पार्ट क्या है बताओ? cos 3 alpha। हाँ इसका रियल पार्ट cos q अल्फा नहीं है, इसका रियल पार्ट है cos 3 अल्फा। हाँ तो ये जो पावर्स होती है ना cos square cos cube, ये आपको इसमें नहीं मिलते हैं, ये e to the power iota में नहीं आती है पावर, ध्यान रखना। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या बताओ? हाँ गौरी बोलो क्या बोल रहे हो बताओ? cos alpha plus iota sorry e to the power iota alpha cos alpha into e to the power iota alpha। अब सुनो यहाँ पे आप whole power n apply नहीं करोगे क्योंकि whole power n apply किया तो ये binomial expansion बन जाएगा, तो यहाँ पे कहीं पे nc0 nc1 nc2 दिख रहे हैं क्या हमें? नहीं। हाँ तो this is real imaginary part of cos alpha into e to the power iota alpha प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ई टू द पावर आयोटा टू अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा इंटू ई टू द पावर आयोटा थ्री अल्फा अप टू कॉस द पावर एन अल्फा इंटू ई टू द पावर आयोटा एन अल्फा। देखो ई टू द पावर आयोटा अल्फा इज कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तो cos alpha into cos alpha plus iota sin alpha, तो imaginary part तो आपको cos alpha sin alpha ही मिलेगा ना? हाँ।
यहाँ पे है cos square alpha multiply with cos 2 alpha plus sin 12. तो उसमें imaginary part क्या आएगा बोलो? Sin 2 alpha. Sin 2 alpha into cos square alpha. हाँ जैसे ये होता cos square alpha into cos 2 alpha plus iota sin 2 alpha. तो इस expression का imaginary part क्या है? इस पूरे expression का? Cos square alpha into sin 2 alpha. बस तो ये expression है. इस expression का क्या find करना है? कोई imaginary part. Okay. अब यार ये कोई binomial expression तो है नहीं. तुम्हें कुछ दिख रहा है ये किस type का sequence है? हाँ ये ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है एक्चुअल में. ठीक है और इसका फर्स्ट टर्म कितना है? दिस cos अल्फा इनटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा. और इसका कॉमन रेशियो भी यही है. इसका स्क्वायर है ये, फिर क्यूब है, फिर पावर फोर है और अप टू पावर है. टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे बोलो? एन टर्म. तो बेसिकली इसका फाइंड करना है आपको समेशन. स्टार्ट करते हैं. तो समेशन का फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या आता है बोलो? a इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस वन अपॉन कॉमन रेशियो माइनस वन. तो फर्स्ट टर्म इज कॉस अल्फा इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा. कॉमन रेशियो बताओ. कॉस अल्फा इंटू ई पावर आयोटा अल्फा. पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन अपॉन cos alpha into e to the power iota alpha minus 1 common ratio minus 1. clear? हाँ. तो ये अभी simplify करना है बस. start करते हैं. steps बताओ जो तुम बोलोगे वही steps लिखता हूँ. बताओ ये simplify करना है. simplify करते करते finally इसका imaginary part find करना है, वो इसके equal आना चाहिए. चलो स्टेप्स तुम बताओ क्या लिखना है. ऐसा कुछ स्टेप्स बताते चलो जबकि सारी चीजें मतलब काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाए और एक्सप्रेशन इजी बन जाए. क्या करना है बोलो? एक काम करते हैं डिनोमिनेटर में ई टू द पावर आयोटा अल्फा कॉमन लेते हैं पहले. तो ये टू द पावर आयोटा अल्फा और ये टू द पावर आयोटा अल्फा क्या हो जाएगा? कैंसिल. ठीक है तो डिनोमिनेटर को ही अभी मैं यूज कर रहा हूँ. तो ई टू द पावर आयोटा अल्फा कॉमन और ये आ गया अभी कॉस अल्फा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा. हाँ और ई टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा क्या होगा बोलो? कॉस अल्फा माइनस आयोटा. करेक्ट है. तो ये माइनस है तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन चेंज करके लिख दूं अभी अंदर. दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस. प्लस तो मैं डायरेक्ट इसका साइन चेंज करके लिख रहा हूँ अभी, है ना. थोड़ा ब्रैकेट भी हटाते हैं यहाँ से साइड में. तो ये हो गया अभी माइनस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा. ठीक है एक तो ये कैंसिलेशन हो गया. डन. और साइमल्टेनियसली ये भी कैंसिल आउट. ओके अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है बोलो? कॉस अल्फा अपॉन आयोटा साइन अल्फा. एंड न्यूमरेटर में है ये एक्सप्रेशन, जस्ट ये एक्सप्रेशन. एंड दिस एक्सप्रेशन इज कॉस टू द पावर एन अल्फा. यहां पे है माइनस वन एंड दिस इज ई टू द पावर आयोटा एन अल्फा. ठीक है ई टू द पावर आयोटा एन अल्फा को आप एक काम करो एक्सपेंड कर दो. तो दिस विल बी ई टू द पावर आयोटा सॉरी कॉस एन अल्फा प्लस आयोटा साइन एन अल्फा और माइनस वन.
ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, वन अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, और ये एक्सप्रेशन है कॉस टू द पावर एन अल्फा कॉस एन अल्फा माइनस का वन प्लस आयोटा कॉस टू द पावर एन अल्फा साइन एन अल्फा. क्लियर? आप मेरे को बस इतना बताओ कि ये पार्ट, दिस पार्ट शुड बी मल्टीप्लाई विद विच पार्ट फॉर इमेजिनरी पार्ट फाइनली. तो ये मल्टीप्लाई होगा इस रियल नंबर से. हाँ. क्योंकि आयोटा इनटू आयोटा विल बी रियल. मेरे को फाइनली फाइंड करना इमेजिनरी पार्ट. तो फाइनल आंसर इज दिस पार्ट इनटू दिस पार्ट. क्लियर? ओके. तो इस पार्ट में माइनस को एडजस्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे. तो ये हो गया अभी कॉट अल्फा इंटू वन माइनस कॉस टू द पावर एन अल्फा इंटू कॉस एन अल्फा. ये आंसर है. बस आंसर आ गया, नोट कर लो इसे. अच्छा क्वेश्चन था. कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं हम लोग. बताओ. ठीक है, ये नोट कर लो. कोई भी डाउट है तो बताओ. Any doubt? No, sir. और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसी पैटर्न पे. ठीक है, तो यार ये क्वेश्चंस एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से ही हो पाते हैं. आर्य माने, एनी डाउट? नो सर. ओके, और भी किसी को कोई डाउट है तो बताओ. आशुतोष, कोई डाउट है तुम्हें बोलो. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार घर पे जाके अपने आप से करना, मतलब घर पे ही हो तुम लोग सभी, आफ्टर क्लास एक बार अपने आप से करके देखना इसे, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. तो रफ करें इसको भी, बोलो. हाँ सर. देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, कॉस के जो पावर्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट पावर, जैसे कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब, ऐसे सपोज करो साइन स्क्वायर साइन क्यूब होता, तो वो सब ई टू द पावर आयोटा अल्फा का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि ई टू द पावर आयोटा अल्फा स्क्वायर करने पे कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं आता, कॉस टू अल्फा आता है. तो ये ध्यान रखना. ठीक है, ओके. तो ये सब था आयलर फॉर्म और इसके एप्लीकेशंस. इसके एप्लीकेशंस और भी हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके. ठीक है, वो आगे आएंगे. यार माइवर थ्योरम एक पॉइंट आता है, वहां पे आगे आते हैं. अभी आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसके अंदर, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी.
काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और काफी इजी भी है। स्टार्ट करें। ओके ठीक है, थोड़ा समझने का ट्राई करना है ना। बेसिकली तुम्हें याद हो तो मैंने आपको बोला था, जैसे होता क्या है ना कि जेड वन प्लस जेड टू माइनस जेड थ्री इसका बार है, तो यहाँ पे आप बार सेपरेट कर सकते हो, जेड वन बार प्लस जेड टू बार माइनस जेड थ्री बार, मतलब बार मल्टीप्लाई डिवाइड पावर सब में सेपरेट होता है। जैसे ये रहा होता जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड थ्री अपॉन जेड फोर माइनस जेड फाइव टू द पावर लेट्स से 100, और इस पूरे का आपको बार कैलकुलेट करना है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो बिल्कुल डायरेक्ट, क्या जेड वन बार प्लस जेड टू बार जेड थ्री बार अपॉन जेड फोर बार माइनस जेड फाइव टू द पावर 100 का भी बार, और उसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो जेड बार जेड फाइव बार टू द पावर 100। सपोज करो इसके प्लेस पे मॉडुलस होता, जैसे मॉडुलस ऑफ जेड वन जेड टू अपॉन जेड थ्री, यू कैन इजीली राइट मॉडुलस ऑफ जेड वन मॉडुलस ऑफ जेड टू अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड थ्री, लेकिन प्लस माइनस के केस में मॉडुलस सेपरेट नहीं होता है, ये हमेशा ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में बेसिकली मॉडुलस को प्लस माइनस में कैसे सेपरेट करते हैं वो सीखते हैं हम लोग। जैसे तुम सिंपल सी बात ये सोचो, सपोज करो जेड वन है वन और जेड टू है माइनस वन, तो वन माइनस वन कितना हो गया बोलो, जीरो, और जीरो का मॉडुलस कितना होता है जीरो, यहाँ पे वन का मॉडुलस कितना आएगा बोलो, माइनस वन का मॉडुलस भी कितना, वन प्लस वन टू, टू जीरो के इक्वल होता है क्या, नहीं होता। या फिर सपोज करो जेड वन है वन और जेड टू है आयोटा, अभी भी देख सकते हो आप ये हो गया वन प्लस आयोटा, और वन प्लस आयोटा का मॉडुलस कितना होता है रूट टू, जबकि वन का मॉडुलस वन और आयोटा का मॉडुलस भी वन, वन प्लस वन टू, और ऑब्वियसली रूट टू और टू सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस में मॉडुलस को कैसे यूज करना है ये पोर्शन आता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के अंदर। काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर भी, और सारे इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा ये ठीक है आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर क्यों बोलते हैं वो भी समझ में आएगा तुम्हें, वैसे ट्रायंगुलर से कुछ ट्रायंगल जैसा फील आना चाहिए, तो ट्रायंगल को यूज करके ये सब इनइक्वालिटी प्रूव करते हैं हम लोग, ठीक है स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है जेड वन, ये पॉइंट है लेट से जेड टू, ठीक है एक सेकेंड यहाँ पे रहते हैं बेस्ट रहेगा। ओके अब तुम लोग ये समझने का ट्राई करो, जैसे सपोज करो ये वेक्टर है, ठीक है, तो इस वेक्टर को आप बोल सकते हो हेड माइनस टेल, यानी कि जेड वन वेक्टर, ये ओरिजिन है, समझते हो ना फिजिक्स में ए बी वेक्टर बी माइनस ए, हाँ ओके। और इसके मॉडुलस को मैं बोल रहा हूँ मॉडुलस ऑफ जेड वन, मतलब ये इसका लेंथ हो गया अभी, और वैसे भी मॉडुलस ऑफ जेड वन शो क्या करता है डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली ये भी एक सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके तो ये वेक्टर हो गया, इसके मॉडुलस को आप शो कर सकते हो मॉडुलस ऑफ जेड टू। अब ये सभी को पता होगा कि जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग आता है, ठीक है। ये वेक्टर थ्रीडी में हम लोग भी पढ़ेंगे मैथ्स में, लेकिन तुम लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो रिजल्टेंट है वो किसके अलोंग आएगा बोलो, डायगोनल के अलोंग, हाँ। अब ये वेक्टर क्या बन गया बताओ, ये वेक्टर रिजल्ट, हाँ, तो रिजल्टेंट मतलब जेड वन और जेड टू का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को आप शो करते हो जेड वन प्लस जेड टू बस, जेड वन और जेड टू का मतलब ये है रिजल्टेंट, हाँ। अरे यार देखो ऐसे होता है, ये तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, सपोज करो ये इधर मूव किया मैंने, इधर किसी ने मूव किया 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर्स, फिर यहाँ पे मूव किया 15 मीटर्स, तो रिजल्टेंट का मतलब ये होता है फाइनल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल, हाँ। सपोज करो आप पहले इधर मूव किया आपने ए वेक्टर, फिर आपने इधर मूव किया बी वेक्टर, फिर आपने इधर मूव किया सी वेक्टर,
तो इन सब की रिजल्टेंट को आप बोलते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और वो यहाँ पे आएगा। हाँ भाई किसी ने देखो इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, सपोज करो उनके मॉम को उनमें चप्पल फेंक के मारनी है ना, तो वो ऐसे स्टाइल से थोड़ी मारेंगे, वो डायरेक्ट मारेंगे ना। हाँ, तो ये वही रिजल्टेंट वेक्टर होता है फाइनली, जिस डायरेक्शन में आप चप्पल फेंक के मारते हो ना वही रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है जैन, समझ गए? हाँ सर। तो जैन तुम्हें अच्छा सा एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, तुम्हें समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। ओके सिमिलरली यहाँ पे भी ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और इस वेक्टर को आप बोलोगे जेड वन प्लस जेड टू। हाँ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आज कुछ टेक्निकल ग्लिच कर रहे हैं इसमें। इसका रिजल्टेंट क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू? हाँ, अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, अब ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, दिस ट्रायंगल, और ये क्लियर है कि ट्रायंगल के अंदर समेशन ऑफ टू साइड्स विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन थर्ड साइड। हाँ, तो बेटा ये दो साइड हो गए ना यहाँ पे, ये दिस साइड और दिस साइड, तो मतलब हाँ, इन दोनों का समेशन 100% इससे क्या आ रहा होगा? ग्रेटर आ रहा होगा। तो ये पॉइंट आ गया है फर्स्ट पॉइंट कि मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। हालांकि इक्वेलिटी नहीं लगानी चाहिए मेरे को, क्योंकि ट्राइंगल में ऐसा इक्वल नहीं होता है, लेकिन इक्वेलिटी भी आता है यहाँ पे। ठीक है, क्यों आता है वो देखेंगे अभी हम लोग। सेकेंड पॉइंट, सपोज कर आप डिफरेंस कंसिडर कर रहे हो, तो डेफिनेटली ना ट्राइंगल डिफरेंस ऑफ टू साइड विल बी लेस देन थर्ड साइड। हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वन माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड टू, और फिर से मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि दिस माइनस दिस नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, तो प्रॉपर और नेगेटिव नंबर तो फिर कम ही हो जाएगा ना हमेशा, तो प्रॉपर कंपैरिजन के लिए फिर से आप एक मॉड लगा देते हो, ये आता है लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। एनी डाउट सर? ग्रेटर देन और लेस देन दोनों में इक्वल टू आएगा। हाँ, दोनों में इक्वल टू आता है बेटे, वो बताया था, रुको देखेंगे उसको, टेंशन मतलब। अब तुम ये समझो, सपोज करो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक है, ये वेक्टर है जेड वन, दिस इज जेड टू, ये बन गया पैरेललोग्राम कंप्लीट, आज पता नहीं इसमें कुछ ग्लिच आ रहा है, जैसे तुमने एक चीज नोट की होगी यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ऊपर चला गया। हाँ, तो वो प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा अब ये बताओ, ये तो जेड वन प्लस जेड टू हो गया, इसमें मेरे को जेड वन माइनस जेड टू शो करना है, तो कहाँ पे आएगा बताओ? उनके हेड्स जॉइन करता हुआ। देखो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट ये है, जेड वन माइनस जेड टू का मतलब ये कि तुमने जेड वन के अलोंग मूव किया है और Z2 के अपोजिट मूव किया है, तो Z1 के अलोंग और Z2 के अपोजिट, तो फाइनली इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा ना। हाँ। ओके, तो ये भी डायगोनल के अलोंग ही आते हैं, ध्यान रखना ये दोनों रिजल्टेंट ही होता है, लेकिन अभी ये कुछ ऐसे आएगा यहाँ पे। एनी डाउट? हाँ, नहीं सर। बाकी तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये Z1 है, ये जेड टू का अपोजिट यहाँ पे, तो ये रिजल्टेंट आ गया, और क्योंकि आप वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो तो वो यहाँ पे आ गया। कोई डाउट है इसके अंदर बताओ? ठीक है, अगेन इसका मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वन, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड टू, and this is magnitude of
हाँ ये वेक्टर है जेड वन माइनस जेड टू और इसका मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू. वैसे भी मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू डिस्टेंस शो करता है जेड वन और जेड टू में. ओके अगेन सेम कंसेप्ट. ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर टू साइड का समेशन विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू माइनस माइनस है. प्लस वाला यहाँ पे था, ये माइनस है. Similarly, difference will be less. So modulus of Z1 minus modulus of Z2 whole modulus less than equal to modulus of Z1 minus Z2. Clear? तो ध्यान रखना modulus plus minus में modulus direct open नहीं होता है. इस तरीके से conditions होती हैं यहाँ पे. इनको learn करना बहुत easy है. सब अच्छे से बताता हूँ. एक बार ये note कर लो पहले. तो इसको हटाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो ये ट्रायंगल से इजीली प्रूव हो जाते हैं सर. ये थोड़ा फास्ट करते हैं ना, इसको नोट कर लो जल्दी से. अब देखो इसको ऐसे लर्न करना जैसे मॉडुलस ऑफ जेड वन एंड मॉडुलस ऑफ जेड टू. ये और ये दोनों सेपरेट साइड्स हैं. एक साइड है मॉड जेड वन और एक साइड क्या है मॉड जेड टू. और जेड वन प्लस जेड टू और जेड वन माइनस जेड टू ये थर्ड साइड्स हैं एक्चुअली. तो देखो समेशन ऑलवेज ग्रेटर ही होता है. समेशन यहाँ पे भी ग्रेटर है और समेशन यहाँ पे भी ग्रेटर है. और डिफरेंस ऑलवेज स्मॉलर होता है. डिफरेंस यहाँ पे भी कम है और डिफरेंस यहाँ पे भी कम आ रहा है. ठीक है. रफ करें इसको अभी. बोलो नहीं सर एक मिनट. ओके अब थोड़ा समझना स्टार्ट करो. देखो इन फोर इनइक्वालिटीज को लर्न करना काफी इजी है. कैसे करना है देख लो एक बार. यहाँ पे देखो आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू अगेन मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू एक बार डिफरेंस मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस मॉडुलस ऑफ जेड टू होल मॉड अगेन मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस मॉडुलस ऑफ जेड टू होल मॉड. क्लियर. फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट. ऑब्वियसली बात है ये है समेशन ऑफ टू साइड. ऑलवेज ग्रेटर होता है. ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ये लेस देन इक्वल टू और ये भी लेस देन इक्वल टू. क्लियर. एक बार यहाँ पे लिखो आप मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू एक बार माइनस अगेन एक बार प्लस
और एक बार माइनस. डन. मॉड जेड वन एंड मॉड जेड टू ये टू साइड हैं. जेड वन प्लस जेड टू ये सिंगल साइड है. एक मॉड जेड वन एंड मॉड जेड टू ये डिफरेंट डिफरेंट साइड हैं. ये टू साइड हैं. जेड वन प्लस जेड टू ये भी एक सिंगल साइड है. सिमिलरली जेड वन माइनस जेड टू ये भी एक सिंगल साइड है. क्लियर. ओके. समेशन ऑलवेज ग्रेटर होता है, डिफरेंस ऑलवेज स्मॉलर होता है. तो लर्न करने का काफी इजी पैटर्न है इसको. और समझोगे ना, अभी नोट मत करो, एक बार समझ लो अच्छे से. ठीक है, इसके एप्लीकेशन पे आते हैं. एप्लीकेशन कैसे आप करते हो इसके. जैसे मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू है, तो देखो ये एक सिंगल साइड हुआ. ठीक है, सिंगल साइड ऑलवेज डिफरेंस से होता है ग्रेटर और समेशन से होता है स्मॉलर. ठीक, तो सिंगल साइड है ये, डिफरेंस से ऑलवेज ग्रेटर एंड समेशन से ऑलवेज स्मॉलर. क्लियर. हाँ. ऐसे ये भी एक सिंगल साइड है, ये भी डिफरेंस से ऑलवेज ग्रेटर और समेशन से ऑलवेज स्मॉलर. क्लियर. अब समझो, जैसे ये एक्सप्रेशन है मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू. इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करोगे, दिस इन इक्वेशन. और इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करोगे, दिस वन. क्योंकि या तो ये इसके इक्वल है या फिर कम. ऐसे ही सपोज करो मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू है, तो इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करोगे और इसका मैक्सिमम ये इक्वेशन यूज करोगे. क्लियर. हाँ. अगेन, इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता है. इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे या फिर आप ये इक्वेशन यूज करोगे. दोनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करना होता है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, मतलब क्या इसका देखते हैं. रुको एक मिनट ना. ठीक है, एग्जाम्पल समझने का ट्राई करो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा सब. जैसे ये क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस थ्री आयोटा. इस एक्सप्रेशन की फाइंड करनी है आपको क्या, मिनिमम वैल्यू. हाँ. ओके. तो इसको एक तरीके से ऐसा समझो, ये है मॉडुलस ऑफ जेड वन, दिस इज होल जेड वन, दिस इज जेड टू, दिस इज जेड वन, दिस इज जेड टू. एंड क्लियरली मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, modulus of z1 plus modulus of z2 will be greater than equal to modulus of z1 plus z2 and similarly greater than equal to mod of z1 minus z2. Any doubt? ये summation of two side है. और ये definitely greater होता है third side से. अब तुम ये बताओ मेरे को कि आप this inequation use करोगे या ये second वाला use करोगे, बताओ. फर्स्ट वन यूज करोगे तो जेड प्लस जेड टू जेड आ जाएगा. हाँ. तो वो फिर आंसर वेरिएबल के फॉर्म में ही आ गया. इसका मतलब अभी सेकेंड वाला फॉर्म यूज करोगे तो क्लियरली मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस थ्री आयोटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस माइनस दिस मॉडुलस एंड दिस माइनस दिस आने वाला है माइनस टू प्लस थ्री आयोटा. क्लियर. और माइनस टू प्लस थ्री आयोटा का मॉडुलस कितना होता है, बोलो. रूट थर्टीन. ये आंसर है. तो ये इसके एप्लीकेशंस है. और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, करते हैं. एक बार ये नोट करो पहले.
तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू दिस आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो. सिमिलरली इस एक्सप्रेशन के मैक्सिमम वैल्यू के लिए यूज ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, नोट करो इसे. नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस और होल मैग्नीट्यूड, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. अगेन डिफरेंस है, इसका मिनिमम वैल्यू नहीं होता बेटा, है ना. मिनिमम वैल्यू जीरो ही होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होता है. ऐसे ही एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होता है, मिनिमम वैल्यू डिफाइन होता है. ओके बताओ कौन सा यूज करोगे यहाँ पे, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट. फर्स्ट एग्जैक्टली, तो जेड कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट है. सो दिस माइनस दिस मॉडुलस लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस, जेड जेड कैंसिल, 5 माइनस 2 इज 3 एंड 7 आयोटा. तो क्या आंसर आ गया बोलो, रूट. करेक्ट आंसर है, मतलब इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है ये रूट 58. डन, करेक्ट आंसर. इक्वेलिटी कंडीशंस देखेंगे यार अभी, है ना, तो तब तक क्वेश्चंस कर लेते हैं और कुछ. नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिखो, काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है. मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू अपॉन जेड इज इक्वल टू 1. You have to find out the range of magnitude of Z. Range का मतलब ये होता है इसका minimum और इसका maximum value find करना है. Okay, अब आप मेरे को इतना बताओ, ये expression देख के mind में क्या आ रहा है? Z1 plus Z2, Z1 minus Z2 magnitude या magnitude of Z1 minus magnitude of Z2, क्या mind में आ रहा है वो बताओ.
उसको मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वन माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड टू करके लिखेंगे. हाँ तो ये है बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू. सपोज करो बेटा ये जेड वन है और ये जेड टू है, ये सिंगल साइड है, तो सिंगल साइड ऑलवेज डिफरेंस से ग्रेटर और समेशन से स्मॉलर, या फिर ये भी लिख सकते हैं. तो डिफरेंस समेशन से स्मॉलर एंड डिफरेंस से ग्रेटर. जेड वन है जेड एंड जेड टू इज टू अपॉन जेड मैग्नीट्यूड. ये हो गया बी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वन प्लस टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड. क्लियर? टू का मैग्नीट्यूड टू और अपॉन मॉड जेड. इस साइड में क्या आएगा बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ठीक है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं और फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन. तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड सेकंड वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू वन. ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है अपन को भी. तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक सेकेंड के लिए मॉड जेड को क्या पुट करो बोलो, टी. और टी डेफिनेटली कैसा नंबर आने वाला है, पॉजिटिव. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप बेसिकली, मेरा कहने का मतलब ये है. तो ये हो गया अभी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अभी तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, इसका ए पॉजिटिव है और इसका डी क्या है, नेगेटिव. इसका मतलब टी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और रियल नंबर्स. एक ये सॉल्व कर लेते हैं. समझ लो यार, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चंस, और काफी इजी भी है, ऐसा टफ नहीं है कुछ. तो फर्स्ट तो आ गया टी बिलोंग्स टू आर, सेकंड केस सॉल्व कर रहा है अभी. तो सेकंड केस इज टी माइनस टू अपॉन टी मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू वन वेयर टी ग्रेटर देन जीरो. अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करना. अब ये एलजेब्रा वाला मॉड बन गया ये, क्योंकि ये भी रियल, ये पूरा रियल नंबर ही हो गया ना. तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन. हाँ बिल्कुल. करो सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है, देखते हैं सॉल्व करो इसे. सिमिलरली यहां पे भी t माइनस टू अपॉन t ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन और लेस देन इक्वल टू वन. अगेन t पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे आप. ठीक है, फिर दो इक्वेशन बन गए, t माइनस t, t स्क्वायर माइनस टू, t स्क्वायर माइनस टू जस्ट.
ठीक है, ये सॉल्व करो और ये सॉल्व करो और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है बस। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, फैक्टर्स हो रहे हैं यहाँ पे, इजीली फैक्टर्स हो रहे हैं। तो यार फैक्टर्स हो रहे हैं यहाँ पे तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूँ। तो इसके फैक्टर्स हो गए टी प्लस टू इंटू टी माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड इसके फैक्टर्स हैं टी माइनस टू इंटू टी प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। क्रिटिकल पॉइंट्स है माइनस टू और वन, प्लस माइनस प्लस ठीक है, इसके राइट में और इसके लेफ्ट में। ये बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स आर माइनस वन एंड टू, अगेन प्लस माइनस प्लस और ये पोर्शन आ गया। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इनका बताओ, कर्ली ब्रैकेट माइनस टू, नहीं बोलो क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, माइनस वन टू वन। ढंग से बताओ यार, माइनस वन टू वन कहाँ आ रहा है, वन टू टू, वन टू टू इंटरसेक्शन आ रहा है जस्ट। ओके, और इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे फाइनल इंटरसेक्शन इसके साथ भी होता लेकिन ये तो टी बिलोंग्स टू आ रही है ना। तो मॉड ऑफ जेड मिनिमम कितना आ गया बोलो, वन, और मैक्सिमम कितना आ रहा है बताओ, टू। ये इसका आंसर है। तो इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। Any doubt? Okay. चलो ठीक है, फिर आज इतना ही पढ़ते हैं। तो ये सब इन इक्वेशंस वाले पॉइंट थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इक्वेलिटी कब फिट होता है इसके अंदर वो हम लोग स्टडी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके पहले मॉडुलस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख के आना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, है ना। मॉडुलस में जो भी हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, इलिप्स वगैरह, वो सब एक बार गो थ्रू करके आना, तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें इजी रहेगा, ठीक है। सर वो शीट में थोड़ा डाउट्स थे। हाँ, वो डिस्कस कर लेते हैं, रुको। ये रफ कर रहा हूं मैं अभी, है ना, एक सेकंड शीट निकालता हूं। ओके, बताओ क्या डाउट है बोलो। एक्सरसाइज वन पार्ट टू में ए फाइव। एक्सरसाइज वन पार्ट टू क्वेश्चन नंबर ए फाइव। हाँ। ओके, दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट है, क्या आंसर आ रहा था तुम्हारा बताओ। नहीं सर, वो आंसर ही नहीं आ रहा, मतलब मैंने ट्राई किया वो। हाँ सर, वो अपॉन में 49 आ रहा है, वो 3364 के। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा बेटे,
जैसे ये नंबर है गिवन है यहाँ पे पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स माइनस जीरो मतलब जीरो नहीं है वैल्यू और ये नंबर है प्योरली इमेजिनरी तो प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट शुड बी जीरो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3p माइनस 7q यानी कि 3p इज इक्वल टू 7q ठीक है मॉडुलस ऑफ जेड तो एक बार इसका पूरा जेड कैलकुलेट कर लेते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हो देखो मॉडुलस ऑफ जेड कितना आने वाला है मॉडुलस ऑफ दिस इनटू मॉडुलस ऑफ दिस हां ठीक है और स्क्वायर भी है यहां पे तो इसका मॉडुलस का स्क्वायर कितना आ गया है 9 प्लस 49 यानी कि 58 इनटू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हाँ. अच्छा बाकी लोग भी यदि तुम्हें डिस्कशन में पार्ट लेना है तो रुक सकते हो वरना आप जाना चाहो जा सकते हो ठीक है बाकी लोग ओके तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर ही आ गया अभी ये है 58 इनटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अभी तुमने किया क्या होगा यहाँ पे तुमने कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट किया होगा यहाँ से हाँ वो क्यू को एलिमिनेट किया और फिर तुमने सिंपल उसमें इंटीजर पुट किया होगा मिनिमम के लिए 1 या 0 0 तो हो नहीं सकता जीरो नहीं है 1 डाला बेटा ऐसा नहीं हो सकता ना लेकिन आपको वो इंटीजर्स रखने जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि p एंड q बोथ आर इंटीजर्स हां हां सर तो तुम ऐसा p1 थोड़ी रख सकते हो यहां पे p1 रखोगे तो q is equal to 3 upon 7 या फिर q1 रखोगे तो p is equal to 7 upon 3 तो मिनिमम इंटीजर्स कितने फिट होंगे यहां पे बोलो सेवन और ये मिनिमम कितना फिट होगा हां 3 हाँ तो तुम पी मिनिमम 7 से कम ही रख सकते हैं सिमिलरली क्यू मिनिमम आप 3 से कम ही रख सकते हैं हाँ तब आंसर आएगा डी हाँ सर नेक्स्ट A11 क्वेश्चन है cos थीटा प्लस एवरेज sin थीटा cos theta plus iota sin theta this is e to the power iota theta हाँ e to the power iota 2 theta this is e to the power हाँ. iota 3 theta हाँ and सबसे last में e to the power iota n theta हाँ वो finally sir is equal to e to the power 0 करके फिर वो बिल्कुल ठीक है अब एक point सुनो बस e to the power iota 0 लेकिन 0 तो बेटा कोई answer है नहीं ना यहाँ पे हाँ आप इस जीरो एंगल को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखोगे मतलब जीरो में कितना ऐड करोगे 2π ओके भाई हाँ ओके अब इनको इक्वल करो तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी n इनटू n प्लस 1 अपॉन 2 थीटा इज इक्वल टू 2kπ हाँ तो थीटा इज इक्वल टू 4kπ अपॉन n इनटू n प्लस 1 ऑप्शन सी हाँ हाँ सर एक पॉइंट और m बिलोंग्स टू z ये इंटीजर्स को भी शो करता है हाँ. तो ऑब्वियसली बात है थीटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो नहीं सकता इसका मतलब m belongs to integer है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ A12 अभी नहीं होगा अभी रहने तो A12 अभी Myhrvold थ्योरम में होगा A12 मैं ना अभी छोड़ सकती हूँ A12 हाँ ठीक हाँ नेक्स्ट बताओ नहीं सर उतना ही था ओके ठीक है बाकी और भी किसी को कोई डाउट है तो बताओ अभी A12 है ना दो अभी नहीं होगा A12 नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट और नेक्स्ट लेक्चर के बाद फिर A12 करते हैं हम लोग हाँ चलो फिर ओके ठीक है चलो ठीक है ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं और भी कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो चलो फिर ओके बाय